नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैकेडमी में। हम ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और हम लोग गेट और ईएसई का सिलेबस अकॉर्डिंगली हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ्लूइड प्रॉपर्टी जो चैप्टर है उसको हम कुछ लेक्चर में डिवाइड किया हुआ है उसका टॉपिक के अनुसार। और इसका हम मतलब सब लेक्चर में गेट ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये पहला लेक्चर है फ्लूइड प्रॉपर्टीज का। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली फ्लूइड के बारे में जानेंगे और उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड, तो ये डेफिनेशन मैकेनिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कॉन्टिन्यूअसली व्हेन सब्जेक्टेड टू ए टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस, हाउएवर स्मॉल द शियर स्ट्रेस मे बी। तो जितना भी मतलब छोटा से छोटा स्ट्रेस अगर हम अप्लाई करेंगे, शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो फ्लूइड जो होगा उसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन होगा। तो सॉलिड में क्या होता है, हम जानते हैं कि शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो इसका साइज चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। और एक चेंज होने के बाद उस चेंज में रुक जाएगा, मतलब कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म नहीं होगा। तो ये सॉलिड में होता है, पर फ्लूइड में कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन होगा। मान लो कि ये फ्लूइड है, कोई एक कंटेनर में ऊपर रखा हुआ है, ये रेस्ट में है, ठीक है। और इसके सरफेस में हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया हुआ है। तो ये डॉट डॉट लाइन क्या डिनोट करता है, लेयर डिनोट करता है फ्लूइड का। तो ये मान लो स्ट्रेट लाइन है जिसमें कुछ पॉइंट है लेयर के अनुसार, हम 1 है 1 डैश है। तो अगर शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो मान लो डेल्टा टी टी टाइम बाद ये सब पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, ये जो अलाइन लाइन है 2 2 डैश ये हो जाएगा, ठीक। और कुछ समय के बाद क्या होगा, 3 3 डैश में आ जाएगा ये सब पॉइंट, और इस तरह डिफॉर्म होता जाएगा। तो कॉन्टिन्यूसली होता जाएगा जितना भी छोटा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। तो आइडियल फ्लूइड में क्या होता है कि डिफॉर्मेशन होता ही जाता है, रुकता ही नहीं है। पर प्रैक्टिकली ये नहीं होता क्योंकि रेजिस्टेंस रहता है जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, तो ये कुछ देर जाके रुक जाता है। और एक चीज़ क्या, फ्लूइड मतलब क्या होता है, जो मैकेनिकल में हम फ्लूइड बोलते हैं वो सिर्फ लिक्विड नहीं होता, गैस भी होता है, वेपर भी होता है। तो ये तीनों चीज़ जब हम फ्लूइड बोलेंगे तीनों चीज़ ही रेफर करेंगे। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ का डेफिनेशन और डायमेंशन और यूनिट दिया हुआ है बेसिकली। तो डायमेंशन याद रखना होगा, डेफिनेशन फिजिक्स में हम लोग पढ़े होंगे 11 12 में, तो इजी होगा, एक बार देख लीजिए। तो मास डेंसिटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, जो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास बाई वॉल्यूम होता है। इसका डायमेंशन m L^-3 यूनिट होता है kg/m³। वेट डेंसिटी मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं और स्मॉल w से डिनोट करते हैं। तो वेट बाई वॉल्यूम w/V होगा। इसका डायमेंशन f L^-3 और यूनिट होगा N/m³। स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट मास v कैपिटल V/m होगा, जो कि है इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। इसका डायमेंशन क्या होगा, L^3 M^-1, यूनिट होगा m³/kg। स्पेसिफिक ग्रेविटी ए से डिनोट होता है, ये क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड विथ स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर। डायमेंशन नहीं होता क्योंकि रेशियो है, यूनिट भी नहीं होगा। अब विस्कोसिटी दो टाइप का होता है, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये अलग अलग लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो डायनामिक विस्कोसिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है कि टाउ इक्वल टू म्यू du/dy। यू मतलब वेलोसिटी होता है, वाई मतलब डिस्टेंस मान लो। तो यहाँ पर जो म्यू ये वाला है इसको हम कहते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, जिसका डायमेंशन क्या है, F(T)^-2। और इसका यूनिट क्या है, N/s² पॉयज सेंट्रीपॉयज। तो न्यूटन ये तो SI का यूनिट है, और पॉयज और सेंट्रीपॉयज क्या है, CGS का यूनिट। काइनेटिक विस्कोसिटी कुछ नहीं, डायनामिक विस्कोसिटी बाई मास डेंसिटी, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू इक्वल टू म्यू बाई रो, जिसका डायमेंशन है L^2 T^-1।
यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एसआई में, और सीजीएस में स्टोक्स और सेंटीटोक्स। बल्क मॉड्यूलस कैसे डिनोट करते हैं, ये सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, जो कि है माइनस डेल पी बाई डी वी बाई वी, मतलब जितना प्रेशर चेंज होता है तो उसके साथ साथ वॉल्यूम कितना चेंज होता है वही। इसका डायमेंशन है एफ एल टू दी पावर माइनस टू, और यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन इसका फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये डायमेंशन होता है एफ एल टू दी पावर माइनस वन, और यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। तो पहला प्रॉब्लम है, ये मैच करना है हम लोगों को डायनामिक विस्कोसिटी, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, पावर, वॉल्यूम, मॉड्यूलस और इलास्टिसिटी। तो पिछला स्लाइड में देखे होंगे, और मोमेंटम इसका पावर का तो डायमेंशन जानते ही होंगे, तो आंसर आ जाएगा बी। आप देख लीजिए, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ईजी क्वेश्चन है। थैंक यू। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you have any doubts related to this topic, feel free to ask in the comment box, and you can write the answer of the assignments in the comment box below. If this video was helpful for you, then you can like, share and subscribe to our channel. If you are preparing for GATE, TSC or any other competitive exam for mechanical engineering, you can join our WhatsApp group also. So bas chalo abhi muskurao aur aage badho, and kabhi haste gaate खेलते कूदते अगर ये टॉपिक भूल गए तो फिर से देख लेना ये वीडियो। थैंक यू।